हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए रेडमी 11 प्राइम। ये 4G वेरिएंट है। इससे पहले मैंने 5G वेरिएंट का भी अनबॉक्सिंग किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर चेकआउट कीजिए, मैं पिन कर दूंगा। प्लस साथ ही में ये 4G वेरिएंट है, इसमें कुछ कुछ फीचर्स हमें अलग मिलती हैं स्पेसिफिकेशंस, वो हम चेकआउट करेंगे। उससे पहले बिग थैंक यू मेरे चैनल को 500 सब्सक्राइबर्स कराने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, हम और आगे जाएंगे, और बहुत सारा थैंक यू इसके लिए। तो आगे बढ़ते हैं। ये है रेडमी 11 प्राइम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 90Hz फुल HD प्लस एडाप्टिक सिंक्रोनाइज डिस्प्ले। मीडियाटेक की G99 की प्रोसेसर इसमें दी गई है, और ये प्रोसेसर बहुत ही लेटेस्ट प्रोसेसर है। साथ ही में बहुत ही बजट सेगमेंट का फ़ोन है, तो उस वजह से इस प्रोसेसर को इस रेंज में लाना अच्छी बात है। प्लस साथ ही में यहाँ पे कुछ क्विक लुक अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे कि 90Hz फुल HD प्लस की डिस्प्ले है, प्लस में G99 की प्रोसेसर है, 50MP का कैमरा है, 5000mAh की बैटरी है। तो और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम जानेंगे आगे। तो बिना किसी देर के चलिए अनबॉक्स करते हैं। तो पहले बॉक्स को अगर देखें तो टिपिकली रेडमी स्टाइल की वाइट कलर में बॉक्स है, फ्रंट में लोगो, साथ ही में पीछे में ये कुछ फीचर्स लिखी गई है। तो हम जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। ये चीज़ को स्टिकर को हटाते ही इसे पलट देंगे सिंपली। ये रहा बॉक्स। ये बॉक्स के अंदर और एक बॉक्स निकल के आता है, इसमें लिखा हुआ है रेडमी बाय शाओमी। तो इसके अंदर हमें क्या मिलता है वो हम चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक मिल जाता है कवर, जो कि नॉर्मली TPU केस है, ट्रांसपेरेंट केस। कवर की क्वालिटी ठीक ठाक सी है, तो इसे हम साइड कर देते हैं बॉक्स को। ये रहा हमारा फ़ोन, मेरा फ़ोन, फ़ोन को भी फ़िलहाल साइड करते हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं, उसको भी साइड करते हैं। बॉक्स कंटेंट में अगर देखें तो यहाँ पे हमें सेम वही 22.5W की एडाप्टर मिल जाती है, बट फ़ोन 15W को ही सपोर्ट करती है चार्जिंग, तो वही बड़ी वाली चार्जर हमें मिल जाती है। और साथ ही में टाइप सी की केबल दी गई है इसमें, और बाकी बॉक्स कंटेंट में कुछ भी नहीं है, खाली है। तो इसे हम फ़िलहाल अभी साइड करते हैं और चेकआउट करेंगे फ़ोन को। तो ये रहा हमारा फ़ोन, इसकी प्लास्टिक को हटाते हैं। ये हमारे पास पर्पल कलर में है, कंपनी ने नाम दिया है पेपी पर्पल। इसकी और भी कलर वेरिएंट्स मिलती है, लाइक ग्रे कलर में, ग्रीन कलर में, ऐसी टाइप के कलर्स इसमें अवेलेबल हैं। साथ ही में अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पूरा प्लास्टिक बिल्ड है, देख पा रहे हैं प्लास्टिक बिल्ड है, लेकिन टेक्सचर्स जो है वो काफ़ी अलग है, टेक्सचर्स काफ़ी अच्छी मिल जाती है। साथ ही में ये फ्लैट फ्रेम डिज़ाइन में लुक्स को दिया गया है, जिसके कारण हैंड ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी निकल के आती है। और साथ ही में कैमरा को देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप दी गई है, साथ ही में LED फ्लैश है। और अगर नीचे पोर्ट्स की बात करें तो इसमें हमें प्राइमरी माइक्रोफोन मिल जाती है, टाइप सी पोर्ट, साथ ही में स्पीकर ग्रिल्स दी गई है नीचे। और साइड में अगर चेक करें तो यहाँ पे पावर बटन हमें मिल जाती है, वहीं पे फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगी हमें, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, साथ ही में वॉल्यूम रॉकर्स है। और ऊपर में अगर हम चेक करें तो यहाँ पे एक हमें सेकेंडरी माइक्रोफोन मिल जाती है, और 3.5mm की जैक ये मिल जाती है। ये अच्छी चीज़ है जो हमें मिल रही है। साथ ही में इसमें कोई भी हमें IR ब्लास्टर नहीं मिलती है। और अगर हम इस साइड में देखें तो यहाँ पे हमें सिम के पोर्ट्स मिल जाते हैं। बाकी ओवरव्यू डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है फ़ोन, साथ ही में बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की है, बट लुक्स वाइज काफ़ी एक अलग प्रीमियम सी लुक प्रोवाइड करती है, क्लासी टाइप लुक प्रोवाइड करती है। और ये जो कैमरा का है ये काफ़ी ग्लॉसी डिज़ाइन में है, इस वजह से काफ़ी क्लासी सा लगता है। अगर हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो हमें इसमें एक 6.58 इंच की बड़ी सी डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। साथ ही में इसमें फ्रंट में हमें गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, बाकी प्लास्टिक फ्रेम डिज़ाइन है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की डिस्प्ले लग रही है फर्स्ट इम्प्रेशन में मुझे। ये एक IPS डिस्प्ले है, बट इसमें जो पीक ब्राइटनेस मिलती है वो हमें 400 nits की मिलती है। इंडोर में विजिबिलिटी अच्छी है, बट आउटडोर्स में शायद थोड़ी सी कम हो, क्योंकि nits बहुत ही कम है पीक ब्राइटनेस की। हालांकि इसमें
प्राइस रेंज को देखते हुए 500 के ऊपर ही होती, लाइक 1000 से नीचे और 500 के ऊपर अगर होती तो बेटर होता। बट जो भी है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन हमें मिल जाएगी, प्लस 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, इसकी वजह से आपको स्मूथ स्क्रॉलिंग वगैरह मिलेगी। तो वीडियोस देखने में, यूट्यूब में, प्लस साथ ही में फेसबुक यूज़ करने में, इंस्टाग्राम यूज़ करने में, तो स्मूथ सी स्क्रॉलिंग्स आपको इसमें मिल जाएगी 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की वजह से। तो अगर हम इसकी प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हमें मीडियाटेक हीलियो G99 की प्रोसेसर मिल जाती है, जो कि लेटेस्ट चिपसेट है, 6 नैनोमीटर बेस्ड चिपसेट है, काफ़ी एफिशिएंट होगी पावर कंजम्पशन में और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी निकल के आती है। और जो GPU है इसका, इसमें हमें माली G57 की GPU मिल जाती है, साथ ही में एंड्रॉयड 12 में है MIUI 13, एंड्रॉयड 13 भी इसमें जल्दी ही आ जाएगी, आशा करता हूँ रेडमी जल्दी से जल्दी पुश करके इसको अपडेटेड कर दे। बाकी ओवरऑल MIUI काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड हो चुका है अभी, बट अपडेट्स के मामले में थोड़ा सा ढीला है, लाइक अपडेट्स बहुत ही लेट आती है, तो इस वजह से मैं वही कहूँगा कि रेडमी या Xiaomi थोड़ा सा अपडेट के मामले में वर्क करें और जल्दी से जल्दी अपडेट पुश करें, क्योंकि इनका मतलब जो सिक्योरिटी पैच है वो भी काफ़ी लेट से आता है कभी कभी, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा कभी कभी निराश हो जाता हूँ MIUI की वजह से। बट ओवरऑल लुक एंड फील काफ़ी अच्छी है, MIUI का लुक एंड फील काफ़ी अच्छा मिल जाता है, कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी काफ़ी अच्छी हमें इसमें मिल जाती है MIUI में। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसमें अगर हम कैमरा की बात करें तो इसमें हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जो कि 50 मेगापिक्सल्स का मेन कैमरा है, जो कि f1.8 एपरेचर के साथ आता है। साथ ही में इसमें जो सेकेंडरी कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया गया है इसमें, जो कि मैक्रो शॉट्स आप ले सकते हैं, और साथ ही में 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ का कैमरा है जो कि बैकग्राउंड ब्लर के लिए हेल्पफुल होता है। साथ ही में रेडमी के फ़ोन्स जैसे ही इसमें आपको ढेर सारे कैमरा मोड्स मिल जाते हैं, लाइक इसमें 50 मेगापिक्सल्स का मोड है, शॉर्ट वीडियो, पैनारोमा, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, ये सब ढेर सारे आपको मोड्स मिल जाएंगे। साथ ही में नाइट मोड दिया गया है इसमें, पोर्ट्रेट मोड है, पोर्ट्रेट में आप अपने एपरेचर को भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। साथ ही में फ़ोटो मोड और वीडियो मोड, अगर हम वीडियो की चेक करें रिजोल्यूशन तो इसमें हमें 1080p/30fps का सपोर्ट मिल जाता है और 720p/30fps का मिल जाता है। साथ ही में मूवी फ्रेम दिया गया है, जो कि सिनेमैटिक लुक्स के लिए आप वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं वैसे। साथ ही में मैक्रो के लिए इसमें मैक्रो वीडियो भी आप शूट कर सकते हैं, वैसे भी फीचर्स दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स के लिए अलग से एक डॉक्यूमेंट मोड दिया गया है, प्लस साथ ही में प्रो मोड्स हमें मिल जाएगी प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए। तो अगर हम कैमरा को देखें तो इसका जो 50 मेगापिक्सल का सेंसर है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फ़ोटोज़ निकल के देता है, डिटेल्स काफ़ी अच्छी निकल के आती है। कुछ सैम्पल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे, आप देख लीजिएगा और आप कमेंट्स में मुझे बताइए आपको इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी लगी। बाकी ओवरऑल डिटेल्स काफ़ी अच्छे हैं, शार्प हैं, तो मैं कहूँगा 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उससे आप अच्छी क्वालिटी के डिसेंट फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। बाकी जो 2-2 मेगापिक्सल्स का कैमरा होता है वो तो मैं इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज़ वो बेकार ही होते हैं, 2 मेगापिक्सल से क्या ही आप फोटोग्राफी कर लेंगे। और साथ ही में इसमें एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, लाइक जो एंड्रॉयड 12 में मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीज़, ये प्राइवेसी के लिए बहुत ही बेटर है, जैसे कि एंड्रॉयड 12 में हमें मिलती है, जब भी आप कैमरा ऑन करें तो साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रीन लाइट शो कर रहा है, तो ये चीज़ बेसिकली प्राइवेसी के लिए हमें मिलती है। अगर कोई भी एप्लीकेशंस आपको स्पाई कर रही है, लाइक कैमरा यूज़ कर रही है या फिर माइक्रोफोन यूज़ कर रही है, तो आपको यहाँ पे छोटे सा ब्लिंक शो करेगा, तो इसका मतलब आपका कैमरा यूज़ हो रहा है या फिर आपका माइक्रोफोन यूज़ हो रहा है, तो इस वजह से आपको पता चलेगा कि कौन सा एप्लीकेशन आपका क्या यूज़ कर रहा है, तो इस वजह से आप अपने हिसाब से उसकी परमिशंस को अलाउ या डिनाई कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है एंड्रॉयड 12 में। तो आगे बढ़ते हैं, तो अगर इसमें हम बैटरी की बात करें तो इसमें हमें 5000 mAh की एक बड़ी सी बैटरी मिल जाती है, जो कि प्रोसेसर के हिसाब से अच्छी है, लेटेस्ट प्रोसेसर आपको 6 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, और साथ ही में इसमें 18 वाट की आप फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, उससे आप चार्ज कर सकते हैं। हालांकि बॉक्स में तो 22.5 वाट की चार्जर आपको मिल जाती है, लेकिन 18 वाट की चार्जर ही इसमें सपोर्ट करेगी। और साथ ही में सारे टाइप के सेंसर्स भी इसमें आपको मिल जाते हैं, सारे टाइप के सेंसर्स इसमें अवेलेबल हैं। इसमें इन प्री इंस्टॉल ऐप्स में हमें मिलती है, ऑलमोस्ट बहुत सारे प्री इंस्टॉल ऐप्स मिलते हैं जिन्हें आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, और ये करके मुझे बहुत मज़ा आता है।
तो ऐसे करके आप अनइंस्टॉल करके फ्रेशली से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी कलर ऑप्शन की बात करें तो इसमें हमें 3 कलर ऑप्शन अवेलेबल मिलती है। ये है पर्पल कलर, पेपी पर्पल कलर, फिर हमें इसमें मिल जाती है एक प्लेफुल ग्रीन कलर और एक है फ्लैशी ब्लैक कलर। तो 3 कलर ऑप्शंस इसमें हमें अवेलेबल मिल जाती है। और साथ ही में रैम वेरिएंट की अगर हम बात करें तो इसमें हमें 4GB 6GB दोनों ही रैम वेरिएंट अवेलेबल है। 4GB में हमें 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है और 6GB में इसमें हमें 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। तो और अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो जो कि 4GB 64GB वेरिएंट है वो हमें मिल जाएगी 12,999 की, और जो 6GB 128GB है वो आपको मिल जाएगी 14,999 की। प्राइस सेगमेंट को देखते हुए प्रोसेसर काफ़ी अच्छा निकल के आता है, कैमरा भी काफ़ी डिसेंट सा है और साथ ही में लुक्स भी काफ़ी क्लासिक सा है, और बेसिक यूज़ नॉर्मल यूजेज के लिए आप आराम से इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। तो इतने भी हाई एंड गेमिंग नहीं कर सकते इसमें, बट लोअर सेटिंग्स पे अच्छे से आप गेमिंग वगैरह कर सकते हैं इसमें, और साथ ही में कैमरा क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। तो यही था इस फ़ोन का अनबॉक्सिंग, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा आपको ये फ़ोन कैसा लगा, और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो टिल डेट गुड बाय, फिर मिलते हैं एक अगली अनबॉक्सिंग पर।